अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर बने मोहम्मद शमी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ऐसे क्या सम्मानित, देखे वीडियो। एक दिन था सुसाइड कर रहे थे शमी और आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुए। हाय हेलो नमस्ते, वर्ल्ड क्रिकेट रिपोर्ट में आपका स्वागत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पहुँचने की रेस शमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से शमी कई आरोपों और विवादों से जुड़े रहे। यही वो समय था जब उन्होंने एक बार नहीं तीन तीन बार सुसाइड करने की ठान ली थी। ये वो समय था जब शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोर से वापसी कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल मची थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। परिवार का साथ मिला और वह अपने बुरे वक्त से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर बन गए। 9 जनवरी को उन्हें खेल के इस बड़े पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित। क्रिकेट जगत में सबसे पहली बार यह अवार्ड सलीम दुर्रानी को मिला था। इस अवार्ड को पाने वाले आखिरी क्रिकेटर शिखर धवन थे। शिखर को 2021 में यह सम्मान मिला था। पिछले साल कोई भी क्रिकेटर इस अवार्ड के लिए नामित नहीं था, लेकिन इस बार शमी ने यहां अपनी जगह बनाई। शमी के साथ ही 23 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 33 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए साल 2023 लाजवाब रहा। साल के आखिरी में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में तो उन्होंने ही मचा दी। टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैच नहीं खेलने के बावजूद शमी ने 24 विकेट चटकाए थे। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। वर्ल्ड कप के इसी प्रदर्शन का पुरस्कार उन्हें अर्जुन अवार्ड के रूप में मिला है। तालिया की गड़गड़ाहट के बीच शमी ने यह अवार्ड आज सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति भवन में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए। उसके बाद खेल की अलग अलग विधाओं में बीते साल दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया।